हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज 216 से क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें बताना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में हमने वैसे भी ऑलरेडी बात करी थी। अब हम देख लेते हैं कि सीरीज सर्किट के अंदर अगर कोई एक भी अप्लायंसेस किसी वजह से काम करना बंद कर देगा तो बाकी के सब बंद कर देंगे काम करना। ठीक है, क्योंकि सबका एक कंट्रोल होता है, क्योंकि करंट जो होता है वो सेम होता है और करंट का फ्लो बंद हो जाता है तो बाकी सारा फ्लो जो है रुक जाएगा, क्योंकि करंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सर्किट। ठीक है, और अगर हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में अगर कोई एक भी अप्लायंसेस बंद हो गया तो बाकी के सब काम करते रहेंगे नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉम्पोनेंट के लिए जो अलग अलग अप्लायंसेज के लिए सेपरेट स्विचेस होते हैं और इसमें करंट की जो वैल्यू होती है अलग अलग अप्लायंसेज के लिए वो डिफरेंट होती है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो पावर सप्लाई होती है वो सेम होती है। तो अगर कोई एक भी बंद हो जाता है तो बाकी के काम करते रहते हैं। सीरीज के अंदर हम देखें तो सारे के सारे जो अप्लायंसेज जुड़े हुए होते हैं उनका एक ही स्विच होता है जिससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड दे कैन नॉट बी, अब चाहो कि हम किसी एक को बंद कर लें सीरीज के अंदर तो नहीं कर सकते। ठीक है, मगर पैरेलल के अंदर है ना, पैरेलल सर्किट के अंदर ना हर एक अप्लायंसेज का अपना अपना एक खुद का सेपरेट स्विच होता है, इस वजह से सेपरेटली इनको बंद किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है। ठीक है, और सीरीज के अंदर आप देखोगे सीरीज में जो अप्लायंसेज होते हैं वो सेम वोल्टेज उनको नहीं मिलती है। ठीक है, जिसकी जो पावर सप्लाई में जितनी, जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो जितने भी अप्लायंसेज सीरीज में जुड़े होंगे उनको सेम सप्लाई नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मगर अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल में हर एक को सेम पावर सप्लाई मिलती है क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, सीरीज की बात करेंगे, सीरीज कनेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़े आने की वजह से करंट कम हो जाता है, करंट की वैल्यू लो हो जाती है। मगर पैरेलल ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट जो सप्लाई पावर सप्लाई के अंदर जो भी करंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमें करनी थी और आई होप आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ।